पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हर रोज बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी परेशान है। 22 मार्च से शुरू हुई पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी अभी जारी है। हर दिन 80-80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अब तक कुल 6 रुपए से अधिक की कीमत बढ़ चुकी है। तो वहीं लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से मुरादाबाद की जनता भी परेशान है और सरकार से अपील कर रही है कि सरकार को इस पर मंथन कर जल्दी पेट्रोल डीजल के दामों में भारी गिरावट करनी चाहिए। ये जो वायर चल रहा है शायद उसकी वजह से पेट्रोल के दाम युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन और रूस के जो चल रहा है युद्ध शायद उसकी वजह से कुछ आयात निर्यात में कुछ हो रहा होगा, कमी दिक्कत तो आ ही रही होगी ना। विचार करना चाहिए, तो पब्लिक को ही इसमें परेशानी होती है क्योंकि हम लोग ही इसका यूज़ करते हैं, हर रोज़ हमें इसकी ज़रूरत होती है, तो सरकारी इसका कुछ हल निकालेगी। और सिलेंडर पर भी गैस के भी रेट बढ़े हुए हैं तो वो भी कम होने चाहिए, काफ़ी रेट बढ़ गए हैं। सरकार बिल्कुल सरकार इसी विश्वास पर बनाई है कि अच्छे काम करें, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि इतने ज़्यादा रेट महंगाई क्यों बढ़ रही है। अपील करेंगे कि महंगाई ना बढ़े, थोड़ा कंट्रोल हो। देखा महंगाई बढ़ने से दिक्कत तो है, नाम में तो परेशान तो है, पेट्रोल डीजल बढ़ने से थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जो आम आदमी दिक्कत हो रही है थोड़ा विचार करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। इसके बारे में महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, खाने चीज़ें महंगी भी हो रही है, डीजल बढ़ने दिक्कत भी हो रही है। डीजल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, खाने में सामान दिक्कत आएगी, जिसमें आम जो फर्क लगेगा उसके जाएगा। तो पूरा विचार करना चाहिए, गरीब से थोड़ा सोच चाहिए सर के बारे में। समझा नहीं सरकार को थोड़ा सा आम पब्लिक सोचनी चाहिए कि जो गरीब मध्यम वर्ग के इंसान हैं, मजदूरी करने वाले हैं, कैसा अपना खर्चा निकालेगा। ये भावना लगातार जो वृद्धि हो रही है उसमें थोड़ा विचार के काम करना पड़ेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।